आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। हम चाहते हैं ये सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। कभी कैमरे के सामने बड़ा बंगला ना लेने और आम आदमी की तरह रहने की बातें करने वाले केजरीवाल जी ने अपनी ही कही बातों से ऐसी पलटी मारी कि दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसों से 52 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। दिल्ली वाले इस धोखे से अभी उबरे भी नहीं थे कि केजरीवाल जी का एक और कारनामा सामने आ गया। खबर है कि केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनवाने में सरकारी नियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया। सीएम रहते केजरीवाल ने 10 एकड़ का जो शीश महल बनवाया, उसके निर्माण में निर्धारित स्वीकृत सीमाओं का भी ख्याल नहीं रखा गया और न ही संबंधित अधिकारी से मंजूरी ली गई। अपने लिए महल तैयार करवा रहे थे बंगला न लेने वाले केजरीवाल जी। अपने लिए महल बनवाने के लिए सीएम रहते केजरीवाल जी ने आसपास की सरकारी संपत्तियों की भी बलि ले ली। जब केजरीवाल यहां रहने आए तो ये आवास 10,000 गज में बना था, लेकिन राजपुर रोड पर बने 8 फ्लैट्स, जिनमें कुछ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जज रहते थे, इन बंगलों और फ्लैग स्टाफ रोड के 2 अन्य बंगलों को तोड़कर अवैध तरीके से शीश महल में मिला लिया गया। इस तरह 10,000 गज के आवास को बड़ी चालाकी से 40,000 गज का बना दिया गया। आपके कांडों से तो ऐसा लग रहा है आप बंगला इसलिए नहीं लेना चाहते थे क्योंकि आपका प्लान महल बनवाने का था। सर जी को केवल रेनोवेशन की मंजूरी मिली थी, लेकिन बाद में दूसरी इमारतों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया गया। प्रदूषण से त्रस्त दिल्ली में 19,700 पेड़ों को काटने का है आरोप। प्रदूषण से त्राहिमाम कर रही दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए केजरीवाल जी ने सिर्फ अपना शीश महल बनवाने के लिए दिल्ली के 19,700 पेड़ काट डाले। और इनकी बेशर्मी देखिए, इन पेड़ों के बदले दूसरी जगह भी कोई पेड़ नहीं लगवाए। अब इस मामले में बीजेपी ने CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। 52 करोड़ का ये शीश महल केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। आम आदमी के माला जपने वाले केजरीवाल जी, आपका असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है।